ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि IIT इम्पॉसिबल है। उन्होंने मुझे क्या बोला, कहते कि तो मैंने यार एक बार विचार किया, अब आपके साथ अगर मैडम ऐसे करे तो आपको ऐसे बोले कि IIT नहीं हो सकता, क्रैक इम्पॉसिबल है, तो आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप ये बोलना मैडम को। अब यार स्कूल में जैसा कि मैंने बताया कि टीचर्स मुझे डीमोटिवेट किया करते थे, तो अध्यापक, मैं पता नहीं, अध्यापक शब्द, टीचर शब्द बहुत एक सेक्रेड शब्द है, एक पवित्र शब्द है, मैं इन लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आपको भी लग रहा हो कहीं कि टीचर्स को ये बोल रहा है, पर यार फिर उनको क्या बोला जाए जो लोग टीचर की नौकरी करते हैं उनके अध्यापक के भेष में होते ठग हैं। खैर उन्होंने मुझे क्या बोला, कहते कि जिंदल IIT इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये सब छोड़ दे और भाई बोर्ड के लिए तैयारी कर, बोर्ड में भी कुछ नहीं ला पाएगा, ऐसे फंस जाएगा। तो उसको देख, राहुल गुप्ता को, वो देख आज VIT में पढ़ता है, हमारे पूरे स्कूल का नाम उसने रोशन कर दिया। तो मेरा रिएक्शन आप समझ ही सकते हो। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, नहीं, नहीं, मारो मारो, हौसला रखो, नहीं ये हौसला मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अब आपको पता होगा यार, अभी आप स्कूल जाते नहीं जैसे, पर जब फिजिकल स्कूल्स होते थे प्रॉपर, अभी आजकल देखो ये कहना कि दिन आ गए कि ऐसे स्कूल हुआ करते थे। एनीवे तो 11वीं 12वीं में रेगुलर स्कूल जाता था मैं, तो वहाँ पर एक मैडम, ऐसे जेई एस्पिरेंट्स है ना, अलग ही नफरत करते हैं कई सारे स्कूल के अध्यापक, तो वो मतलब मेरी तरफ इशारा, इम्प्लिसिटली मेरी तरफ इशारा करके कह रही थी, कुछ लोग तो बस IIT की तैयारी के नाम पर स्कूल से छुट्टी लेने की बातें करते रहते हैं, पर यहाँ देखो इसको, इस महान कन्या को देखो, 105 नंबर आए जेई, IIT जेई मेंस क्रैक किया है हमारे स्कूल की बेटी ने, 360 में से। अब भाई इन लोगों को कैसे समझाएं यार, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मेरा मन तो ये कर रहा था मैं कह दूं चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। पर चलो खैर कोई बात नहीं, अब आपके साथ अगर मैडम ऐसे करे तो आपको ऐसे बोले कि IIT नहीं हो सकता, क्रैक इम्पॉसिबल है, तो आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप ये बोलना मैडम को। इसी प्रकार आए दिन कोई भी चलता फिरता कहता फिरता है IIT इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, IIT असंभव है, IIT नहीं हो पाएगा। अब एक बार क्या हुआ कि जैसे भाई प्रिंसिपल से बात कर रहे या दोस्तों से बात कर रहे, कई बार लोग पूछते थे कि भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या पढ़ रहे हो, कोई ऐसी पूछ ला कितने घंटे पढ़ा कल, तो भाई मैं थोड़ा कैंडिड सा इंसान हूँ, जो हृदय में होता है वो साफ साफ बोल देता हूँ, मैं बोल दिया भाई कल 15 घंटे 16 घंटे पढ़ा था। तो वो कहता वो देखिए भाई जिंदल क्या कह रहा है, भाई ये 16 घंटे पढ़ा था। फिर अच्छा, बहुत तेज हो रहे हो, है बहुत तेज हो, मतलब ऐसे कि मजाक उड़ाने के उसमें। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मतलब मेरे को क्या पढ़ी है, मैंने इनको दिखाने के लिए थोड़ी पढ़ा है, अपने लिए पढ़ रहा है। चलो उन्होंने पूछा था बल्कि कितना पढ़ा तू, पर ठीक है। फिर मैंने यार एक बात मन में आई कि यार उम्मीद वगैरह जैसे नहीं थी तो भाई फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने यार एक बार विचार किया कि ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि IIT इम्पॉसिबल है, यही लोग कह रहे हैं कि 16 घंटे पढ़ना इम्पॉसिबल है, पर मैं तो प्रतिदिन 16 घंटे पढ़ रहा हूं, मिनट, यानी इनके हिसाब से इम्पॉसिबल है, यानी इनके हिसाब से एक इम्पॉसिबल चीज मैं ऑलरेडी कर रहा हूं, मैं तो जानता हूं ना सच, तो भाई इनके हिसाब से दूसरी इम्पॉसिबल चीज है ये भी कर दूंगा। इसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ता रहा, और लोगों के कमेंट्स को मैंने, भाई आप देख लो ना यार, मैं आपको बताऊं, आप कई लोग जो हैं लोगों के कमेंट्स को, आसपास के जो अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड मतलब मैं उनको नहीं कह रहा जिनका जेई क्रैक नहीं, अनक्वालिफाइड मतलब जिन पर ये अथॉरिटी भी नहीं कहने की कि
कि भाई उनको जेई के बारे में कुछ नहीं पता होगा, फिर भी चार बातें हैं जेई के बारे में बोल जाएंगे। शिकंजी वाले से पूछोगे वो आपको बता देगा कि कौन सी किताब करनी चाहिए। मुफ्त की सलाह हर कोई देने वाला है और डिमोटिवेशन तो यहाँ पे थोक में बिक रही है। तो मुझे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, मैं बताऊं यार इनकी नॉलेज का आपको लेवल देने के लिए ये बता रहता हूँ। एक बार एक रिएक्शन इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊं कहोगे तो कि लोगों का क्या रिएक्शन था जब मेरी ऑल इंडिया रैंक 247 आई। पर जैसे एक लड़का था मेरे नेबरहुड में रहता था, तो उसने पूछा कि भाई निशांत मैंने सुना है आई, उसने अखबार में पढ़ा हुआ IIT का रिजल्ट आ गया तो कैसा रहा। मैंने कहा भाई 247 रैंक आई। तो उसको पता नहीं था भाई 240। देखो मतलब यानी हम जिन लोगों के कमेंट्स इतने ध्यान से सुनते हैं, जिन लोगों की टिप्पणियों को इतना हृदय से लगा लेते हैं, उस बंदे को 247 रैंक क्या होती है, इस पे क्या मिलता है ये तक नहीं पता। कहता कि भाई अच्छा 247, अब वो बता मार्क्स कितने आए। तो मैंने कहा भाई 224 मार्क्स आए। तो मतलब परसेंट कितने हो, परसेंट में बता। मैंने कहा भाई 60% से थोड़े से ज़्यादा है। कोई ना भाई, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, टेंशन मत ले। उसका ये बिक गई है गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये जवाब था। अब आप सोचो यार, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो यार इन तेजस्वी लोगों की बातों को साइड करो, सत्य को पकड़ो। सत्य ये है कि IIT JEE में जो पास्ट ईयर में प्रॉब्लम्स आए हैं वो मैं देख सकता हूं, आज भी देख सकता हूं। सत्य ये है कि IIT JEE का पेपर जैसा दिखाई देगा वैसे पेपर मैं आज भी देख सकता हूँ मॉक टेस्ट के रूप में। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो कुछ कुछ सिलेबस पर बेस्ड होते हैं, वो सिलेबस मैं पढ़ सकता हूँ, वो सिलेबस पढ़ के मैं किताब के पीछे के क्वेश्चन करने लायक दिख रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ खुद को कि वो हो रहे हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थोड़ी सी मेहनत करके हो जा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि सिलेबस धीरे 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 कंप्लीट हो रहा है, जब अभी हो रहे हैं तो वहां क्यों नहीं होंगे, और वहां क्वेश्चन होंगे तो मार्क्स क्यों नहीं आएंगे, और मार्क्स आएंगे तो रैंक क्यों नहीं आएगी, और रैंक आएगी तो IIT मिलेगा, कुछ नहीं है इम्पॉसिबल। सो ये मैंने अपने आप को समझा लिया, इस बात को आप भी हृदय में उतार लो। इस तरह के और भी एनेक्डोट्स आप अगर चाहते हैं, जैसे एक मेरे मन में आ रहा था कि फर्स्ट डे एट IIT दिल्ली, इस तरह का कुछ आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो डेफिनेटली मुझे बताएं, मैं समय निकाल कर जरूर बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो मोटिवेट करके गई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम JEE के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, वो भी ऑथेंटिक। बहुत बहुत धन्यवाद।